दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हाईकमान ने उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं की भी ड्यूटी लगाई है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पांचों सांसद समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और 8 फरवरी को होने वाले मतदान में जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के मीडिया प्रभारी देवेंद्र वसीन ने बताया कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में सभी राज्यों से बीजेपी नेताओं को दिल्ली आमंत्रित किया है, जहां पर वो चुनावी प्रचार में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य प्रणाली है कि जब कभी भी कहीं चुनाव होते हैं तो अन्य प्रदेशों के कार्यकर्ता भी उन प्रदेशों में जाकर के वहाँ के कार्यकर्ताओं के काम में सहयोग करते हैं, और इसके अलावा कुछ स्टार प्रचारक जिनका प्रभाव चित्र भी उन स्थानों पर होता है वहाँ जाते हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए गए हैं। तो 8 फरवरी को दिल्ली में मतदान और उससे पहले बीजेपी का ये फरमान कि आलाकमान का ये निमंत्रण, जिसे मीडिया प्रभारी देवेंद्र वसीन बता रहे थे कि दिल्ली बुलाया गया है, 5 सांसद उत्तराखंड के उन्हें दिल्ली में ड्यूटी पर लगाया गया है, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वो वोट मांगेंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री दिल्ली में बीजेपी के नवनियुक्त अभी बने अध्यक्ष बंशीधर भगत को जिम्मेदारी दी गई है कि अब दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज 2 जनसभाएं करने वाले हैं, शाम 5 बजे और उसके बाद 7 बजे बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। तो उधर दूसरी तरफ 8 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर 5 सांसद दिल्ली में